सऊदी देख लो लेके खड़ा है। सामने का घर देखो, सामने वाले यहाँ पे घर का लुक चेक करो मेरे भाई, ये मिट्टी का बना हुआ मेरे भाई घर यार। अच्छे स्टार्ट हो रहा है, अब देखो यहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा है मेरे भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई सुबह हो गई, अभी चल रहा था अपने मालिक के लिए मेरे भाई, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। आज पता नहीं कहाँ से भाई साहब की आँख खुल गई, मेरे भाई फ़ोन किया है तो बोल रहे हैं यार वहाँ से ब्रेकफास्ट लेके आना। सुबह के भाई 9 बज रहे हैं, 9 बजे तो यहाँ इतनी धूप रहती है ऐसे लगता है जैसे 12 बज रहे हैं। तो चलता हूँ भाई, पहले सपने बॉस के लिए भाई ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ रेस्टोरेंट से, उसके बाद में बाकी काम देखते हैं। मैं सोच रहा था उठाऊँ अब चल के हाथ में धुल के, तो कहो रात में भाई शेविंग वगैरह कर ली थी यार, नहीं तो दिन में टाइम ही नहीं मिलता मेरे भाई। आजकल बहुत ही आम बहुत है ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलता हूँ भाई पहले रेस्टोरेंट पे भाई के लिए साहब के लिए खाना लेके आता हूँ उसके। तो भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे देख रहे हो अभी से यहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो रही, क्या गाड़ियाँ भी खराब हो गई यहाँ पे देख रहे हो, अभी से ट्रैफिक हो गया। और अपने को लेना था फूड, यहाँ से खाना लेना है होटल से अपने मालिक के लिए। मेरे भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट का मूड है आज उनका। कभी कभी वो सुबह सुबह फ़ोन कर देते हैं, अभी यहाँ से चल के पहले ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ फिर चलता हूँ उसके बाद में। अभी तो ये है यहाँ पे एग्जैक्टली, और यहाँ से चल के पहले ले लेता हूँ, सामने ही रहा रेस्टोरेंट, अब यहाँ चल के पहले लेके ब्रेकफास्ट फिर उसके बाद चलता हूँ रूम पे देने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। भाई ले लिया ब्रेकफास्ट, ये देख रहे हो चाचा की गाड़ी खराब हो गई, लोड हो रही यहाँ पे ट्रक में, लोड कर रहे हैं भाई की लेंटरा खराब गई है, पाकिस्तानी चाचा है यहाँ पे गाड़ी लोड कर रहे हैं। तो ले लिया, अब चल रहा हूँ रूम पे। और ये एरिया बहुत VIP एरिया भाई, बहुत ही हाई फाई हाई सोसाइटी वाला जो है ना, इधर जितने भी रेस्टोरेंट है बहुत अभी इधर खोद के काम चल रहा है, नहीं इधर बहुत इसलिए जाम लग रहा है। ये बहुत हाई फाई एरिया है, बहुत ही हाई फाई एरिया है, बहुत ही। यहाँ पे मेरे भाई घर और देखो, इतने एक से बढ़ के एक खतरनाक घर बने हुए हैं इस एरिया में ना, बहुत ही खतरनाक। इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ मेरे भाई। यहाँ पे जो घर है ना भाई, एक से बढ़ के एक घर है। इनकी डिजाइन और ये घर की लुक भाई, गाड़ियाँ हर एक से बढ़ के एक खतरनाक खतरनाक है। इधर जितने भी घर हैं ना, अभी मैं दिखाता हूँ भाई, एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे घर यहाँ तुड़वा देते हैं मेरे भाई। ये तो पता नहीं, यहाँ पे बताता रहा हूँ, पता नहीं लोग क्या कौन सा कीड़ा होता है, साल भर में घर तुड़वा देते हैं। पसंद आया ठीक है, नहीं तो कुछ साल छः महीना रहे फिर तुड़वा देंगे, कभी तो रहते ही नहीं है, दो दो तीन तीन बार तुड़वा तुड़वा के बनवाते हैं ऐसा यहाँ पे भाई। इतना पैसा यहाँ पे, मैं घर दिखाता हूँ मेरे भाई, एक से बढ़ के एक घर है इस एरिया में। सेवन लेट की गाड़ी खड़ी है, क्या फाड़ लग रही है मेरे भाई। ये सेवन लेट की कॉर्वेट है, रेड कलर में सऊदी देख लो लेके खड़ा है, बहुत ही जबरदस्त लग रही है मेरे भाई। लुक चेक करो रेड कलर में कितनी फाड़ लग रही है, गाड़ी का लेवल चेक करो भाई। यहाँ हाई फाई गाड़ियाँ इसी रोड पे घूमती रहती मेरे भाई, बताता रहा हूँ। ये ऐसी गाड़ियाँ जो है ना, ये सारी इसी रोड पे घूमती रहती है यहाँ पे, बताता रहा हूँ। कोई वैल्यू नहीं, कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे। जैसे अपने यहाँ है रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ये देखो एस क्लास जा रही है, पीछे मसराटी है, तो एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ मेरे भाई यहाँ पे। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ भाई यहाँ पे गाड़ी हाई फाई ऐसे लेके घूमते हैं लोग ना यहाँ पे। कोई गाड़ियों की एक पैसे की एक धेले की जो होती ना, एक कौड़ी की वैल्यू नहीं है वो, चाहे फिर अपनी लैम्बोर्गिनी हो, चाहे जोनसी हो, चाहे जो रोल्स रॉयस हो, कोई एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब। ये देख रहे हो सामने खड़ी कॉर्बेट है, ये शेवरलेट वालों कॉर्बेट है, क्या फाड़ लग रही है मेरे भाई। गाड़ियाँ तो यहीं है मेरे भाई, गाड़ियाँ तो यहाँ देखने का अपना अलग, एक से बढ़ के एक। अरे सामने देखो यहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ पे फ्लैट भी ना ज़्यादा ऊँचे नहीं होते, ज़्यादा ज़्यादा 3 मंजिल 4 मंजिल इससे ऊपर नहीं बनाते यहाँ पे, वैसी बिल्डिंग बनेगी। बाकी जो ये ऐसी है ना, ये फ्लैट देख रहे हो यहाँ पे कितना जबरदस्त बना रखा है, ये फ्लैट है यहाँ पे रहते हैं सऊदी लोग रेंट पे लेके, इसमें ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे देख रहे हो, कितना हाई फाई। और बहुत महंगा है भाई ये सब फ्लैट, बहुत महंगे हैं यहाँ पे, ये एरिया ही बहुत हाई फाई है, बहुत भी हाई फाई भाई। यहाँ पे बताता रहा हूँ सऊदी के घर चेक करो मेरे भाई, सऊदी के जितने घर हैं देख रहे हो, कितने बड़े बड़े घर यहाँ पे। और यहाँ पे घर के सामने तो मैं खजूर के पेड़ और ये मतलब पेड़ अच्छे खासे, ये देखो ये घर देखो कितना शानदार बना हुआ है मेरे भाई, कितना शानदार बना हुआ है, कितने टाइल्स वाइल्स इतना जबरदस्त बना रखा है, मैं क्या बताऊँ। सामने का घर देखो, एक से बढ़ के एक घर, मतलब यहाँ ऐसे ही अपने इंडिया में है घर एक से एक ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे बताता रहा हूँ एक से एक डिजाइन, यहाँ तो इसे पूरे हर तरफ ऐसे ही मिलेगा। और एक से बढ़ के एक, बड़े से बड़े घर भाई यहाँ पे मिलेंगे, नहीं कि यहाँ पे ये है,
यहाँ घर ना बहुत ही बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े घर। ये ट्रक जो है यहाँ पानी लेके आ रहा है, ये किसी घर पे लेके जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पानी वैसे वाला नहीं है कि अपने यहाँ समर लगा दिया, यहाँ समर वाला सिस्टम नहीं है। या तो पानी वो गवर्नमेंट वाला आता है या टंकी वाला आता है। अब ये देख रहे हो दोनों साइड में एक लेवल के घर बने हुए हैं, इधर की डिजाइन अलग है, इधर की डिजाइन अलग है, दोनों किसी न किसी हाई फाई का। उसका सामने का घर देखो, सामने वाले का घर देखो, ये और भी खतरनाक। देख लो यहाँ पे यहाँ मेरे भाई घर, मैं बता रहा हूँ घर ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे घर हैं कि बंदा सिर्फ देखता रह जाए मेरे भाई, देखता रह जाए, इतने खतरनाक खतरनाक घर है यहाँ पे। और गाड़ियां तो यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो इस घर का बंदा है बेचारा, धूप में बेचारा तपा जा रहा है। देख रहे हो भाई चाचा के हालात यहाँ पे कैसे हैं, ये इस घर में काम करते होंगे ना इसीलिए। यहाँ पे घर ना ये देखो इतना बढ़िया घर था, ये देखो यहाँ पे तोड़ दिया है, इतना बढ़िया घर था ये देख रहे हो, ये पूरा तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यही है मेरे भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर तोड़ देते हैं जो अपने यहाँ तो कोई जिंदगी भर ना तोड़े यार। इतने अच्छे अच्छे घर यहाँ पे बनाते हैं, तोड़ देते हैं, नहीं पसंद आया तोड़ दिया, बनाया नहीं पसंद आया तोड़ दिया, कुछ चार दिन बाद रहे, साल छः महीने, और उसके बाद अब दूसरा नक्शा चाहिए तो घर तोड़ दिया। तो भाई ऐसा है यहाँ पे हिसाब किताब, जो अरब खरब पति, अरब पति नहीं, खरब पति से भी ऊपर वाले लोग हैं ना यहाँ पे, उन लोगों का घर है इस एरिया में। और बहुत ही VIP, बस ये है कि यहाँ इतनी हाई सोसाइटी है, और यहाँ दिक्कत यही है इस एरिया में, कहीं कभी भी आओ और कहीं भूल जाओ तो यहाँ कोई मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ बताने वाला यहाँ पे भाई, जैसे तुम्हें कहीं अलग जाना हो। और ये देख रहे हो यहाँ पे घर का लुक चेक करो मेरे भाई, देख रहे हो कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, घर चेक करो, एक एक घर यहाँ पे बता दो जितने में अपने यहाँ 10 घर बन जाए, 15 घर बन जाए, उतने में एक एक घर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसा यहाँ पे हाल मेरे भाई, घरों का हाल इतने हैं। अब देख लो यहाँ पे कोई नहीं तुम्हें रोड पे मिलेगा, कोई नहीं। एक ये मेरे जो लेफ्ट साइड में है ना, ये मिट्टी का बना हुआ मेरे भाई घर यार, ये चेक करो यार, ये पूरा मिट्टी का लग रहा है मेरे को, बहुत ही खतरनाक वाला घर है ये। तो अभी दिखाता हूँ, अभी ये लेफ्ट साइड में है, अभी देखना है इसको, अभी मिट्टी का ये घर जो बना हुआ है ना, पूरा मिट्टी का लग रहा है मुझे, मतलब पूरा मिट्टी का। देख रहे हो पूरी बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री जो है ये देख रहे हो पूरी मिट्टी की बनी हुई है पूरी। और ये गेट सेट देख रहे हो इसमें कितने खतरनाक खतरनाक लगे हुए हैं, इसका मेन गेट इधर है ये भाई, ये घर चेक करो यार। और इतना हाई फाई एरिया में घर है ना ये, यहाँ गेट चेक करो मेरे भाई इसका यार, ये पूरा मिट्टी का घर है मेरे भाई, पूरा देख रहे हो पूरा ये मिट्टी का घर है, पूरा मिट्टी का घर है देख रहे हो। और ये सामने देखो घर, ये कितना हाई फाई है, पौधे जो एक से बढ़ के एक मेरे भाई, इस घर आप चेक करो मेरे भाई, ये पूरा मिट्टी का देख रहे हो। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारे जितने दरवाजे ना सारे मतलब उसके लगे हुए हैं, लकड़ी वाले दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे। ये देख लो कितना बड़ा घर है मेरे भाई, अपने यहाँ मिट्टी के घर की वैल्यू ही नहीं। यहाँ पे देख रहे हो मिट्टी के घर में भाई, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी का बना हुआ घर पसंद करते हैं, पूरी दीवारें इसकी कच्ची हैं, पूरी मिट्टी की है। देख रहे हो क्या जबरदस्त घर बना रखा है इस एरिया में भाई, जितने भी घर है ना, जितने भी ये देख रहे हो जितने भी घर है यहाँ पे, सारे हाई फाई घर है, सारे हाई फाई। यहाँ पे जो हाई फाई लोग है ना, ये हाई फाई लोग, हाई फाई घर। बस यहाँ पे दिक्कत ये है मेरे भाई, कभी भी अगर कोई चीज भूल भाल जाओ ना यहाँ पे, कोई सड़क वड़क रास्ता वगैरह अगर भूल गए ना, तो यहाँ फिर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, ये चीज है। अभी एक एक घर देख रहे हो कितने बड़े बड़े से हैं मेरे भाई, यहाँ से लेके देख रहे हो वहां तक एंड तक है। अब ये वाला घर देखो जो हमारे क्या बोलते हैं इसमें लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब देखो यहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा है मेरे भाई, देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा घर मेरे भाई, इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब यहाँ तो अपने यहाँ लोगों के फार्म हाउस भी होते ना, यहाँ तो फार्म हाउस इतने होते जितने के अपने यहाँ 10 फार्म हाउस बन जाए। तो यहाँ ये हमने देख लो, ये सारा हाई सोसाइटी एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ की सड़कें, इधर का एरिया और सब कुछ इधर का, इधर का ये देखो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये हाई सोसाइटी है और इस साइड में उसके लिए मस्जिद बनी हुई है, ये सामने ये मस्जिद है, ये देख रहे हो कितनी बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, ये उसकी मस्जिद है, ये क्या ये इस एरिया की ये वाली मस्जिद है। देख रहे हो कितनी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बना रखी है। और इधर तो अभी सब कुछ बना रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है।
तो भाई अभी रात का टाइम हो रहा है 9:28 और मैं जगह दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये चेक करो, लेवल चेक करो। ये भाई कोई घर वगैरह नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये है एक हॉस्पिटल है। और अभी यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ आज दिन में कम से कम 2-3 राउंड मुझे मारने पड़ गए, वो इसलिए क्योंकि मेरे मालिक के जो वाइफ है ना, उनके हॉस्पिटल में इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है लड़की। तो यहाँ पे बहुत दो क्या बोलते हैं, कल आई थी मेरे ख्याल से, हाँ रात को, तो आज हुआ है, बहुत चक्कर मारने पड़ रहे हैं आजकल यहाँ पे। अब रात में भी, दिन में भी, कभी खाना तो कभी क्या तो कभी क्या, बहुत। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ, मैडम ने फ़ोन करके बुलाया था, बोला हॉस्पिटल आओ, तब देखता हूँ यहाँ पे क्या है मेरे भाई। तो ये है किंगडम हॉस्पिटल, ये सऊदी, ये रियाद का, अपने इधर चेक करो, ये है किंगडम हॉस्पिटल है ये। तो रात का टाइम है अभी, तो यहाँ खाली हो गया, नहीं बहुत भीड़ होती है, अभी फ़िलहाल खाली है। तो ये है, अभी देखता हूँ मेरे भाई क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है, कितने बजे रात तक जाना होता है। अभी कुछ टाइम टेबल का यहाँ पता नहीं है, 2 दिन से बता रहा हूँ। तो भाई रात के 11:53 हो गया है टाइम, और 11:54 हो गया है, और अभी आया था हॉस्पिटल से, और अब चल रहा हूँ अभी थोड़ा खाना वाना खा के, अभी रेस्ट करूँगा, उसके बाद अभी 2-3 बजे फिर अभी जाना रहेगा खाना लेके। तो थोड़ा चल के नींद मार लेता हूँ खा पी के, क्योंकि फिर आजकल भाई बहुत ड्यूटी चल रही, बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी चल रही। तो इस वीडियो का एंड ये करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि नींद भाई बहुत आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। पहले चल के खाना खा लेता हूँ थोड़ा मोड़ा, क्योंकि भूख तो ख़त्म हो गई है, ज़बरदस्ती का खाना है, थोड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद में फिर सोता हूँ। और दीजिए भाई को इजाज़त, अब मैं मिलूँगा अपने अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।